देशांतर हो गया था ना कंप्लीट पूरा। लिखिए लिखिए लिखिए, कुछ देशों में कल बताया था ना, देवपृथ्वी है, देवपृथ्वी के जो देशांतर है ये सब देशांतर हो गया। मानक समय रेखा बताइए, और मानक समय रेखा बताए थे, देखिए है ना, मानक समय जोन बताए थे। तो पृथ्वी जो है, कुछ कोई कोई देश, कुछ कुछ देश ऐसा है ना जिसका देशांतरीय विस्तार बहुत ज्यादा है। देशांतरीय विस्तार बहुत ज्यादा कहने का मतलब हुआ कि कुछ कुछ देश ऐसे हैं जो बहुत बड़ा एरिया में फैले हुए हैं ना, बहुत ज्यादा एरिया में फैले हुए हैं। तो ज्यादा एरिया में फैले होने के कारण उनका देशांतरीय विस्तार जो है वो क्या है, बहुत ज्यादा है। अब ज्यादा एरिया में फैले होंगे तो ज्यादा ज्यादा नंबर ऑफ देशांतर लाइन ना इससे क्रॉस करेगा, समझ रहे हैं ना। ज्यादा नंबर ऑफ देशांतर लाइन जब इससे देशांतर रेखा क्रॉस करती है, जिसके कारण क्या होगा कि एक किसी भी देश के एक एंड से दूसरे एंड, मतलब एक जो साइड वाला एरिया होगा और दूसरे जो साइड वाला एरिया होगा उसके बीच का क्या हो जाएगा, समय का डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा, समय का अंतर ज्यादा हो जाएगा। अगर विस्तार एरिया ज्यादा रहेगा तो होगा ना ऐसा। इस कारण क्या होता है, लोगों को बहुत दिक्कत हो जाती है ना। इसलिए कुछ कुछ देश जिसका देशांतरीय विस्तार बहुत ज्यादा है, वहां क्या किया गया है, मानक समय रेखा है ना, कहीं दो कहीं चार कहीं पांच इस टाइप से रखा गया है ना। तो लिखना स्टार्ट करिए, देखिए कुछ देशों में अत्यधिक देशांतरीय विस्तार के कारण, अत्यधिक देशांतरीय विस्तार के कारण, कुछ देशों में अत्यधिक देशांतरीय विस्तार के कारण एक से अधिक मानक समय की व्यवस्था की गई है, एक से अधिक मानक समय की व्यवस्था की गई है। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में सात समय जोन, संयुक्त राज्य अमेरिका में सात समय जोन, कॉमा दीजिए, और लिखिए रूस में 11 समय जोन तथा ऑस्ट्रेलिया में तीन समय जोन की व्यवस्था की गई है, ऑस्ट्रेलिया में तीन समय जोन की व्यवस्था की गई है। ऑस्ट्रेलिया तो बहुत छोटा है ना, ऑस्ट्रेलिया छोटा तो है लेकिन फिर भी बड़ा है, वो अपने हिसाब से तीन को काट दिया है, तीन तीन तीन, ये ठीक बोला है ना, ऑस्ट्रेलिया पता है ना, तीन समय जोन में वो काट दिया है अपने आप, छोटा तो है लेकिन काट दिया। ये ध्यान रखिएगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सात समय जोन है, रूस में 11 समय जोन है और ऑस्ट्रेलिया में तीन समय जोन है, समझे, वो अपने सुविधा के हिसाब से बांट दिया है। मतलब ये नहीं वो है कि किसी का भी, कोई भी देश का अगर क्षेत्रफल बहुत ज्यादा बड़ा है, इससे कोई मतलब नहीं है कि बड़ा है या फिर छोटा है, उसको जो सुविधा पड़ेगा वो उस हिसाब से बांटेगा ना, उसी हिसाब से बांट लेगा। देशांतरीय विस्तार देखा जाता है और दूसरा क्या देखा जाता है, उसको क्या सुविधा है ना, वो अपने आप को देखता है। हाँ, अब हम पढ़ाएंगे, यही इतना ही तक था देशांतर का, समझ गए ना, और कल टेस्ट ले लेंगे इसका है ना, देशांतर का। अब हमको पढ़ना है कटिबंध, क्या पढ़ना है, कटिबंध, तो हेडिंग डालिए कटिबंध, कटिबंध। हेडिंग डालिए कटिबंध, देखिए
देखिए ये पृथ्वी है, क्या बताए थे कि पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरती है, पृथ्वी के बीचों बीच से, पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरती है क्या? जीरो डिग्री अक्षांश, जिसको कि विषुवत रेखा बोलते हैं, पृथ्वी के बीचों बीच से विषुवत रेखा गुजरती है, बताया था ना। विषुवत रेखा क्या होता है? अर्थ को पृथ्वी को दो भाग में बांट देता है, बांट देता है ना, एक को उत्तरी गोलार्ध और दूसरे को दक्षिणी गोलार्ध। ऊपर वाले पृथ्वी के जो विषुवत रेखा है बीचों बीच बांटती है, पृथ्वी को दो हिस्सों में बांटती है, इसमें से जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको उत्तरी गोलार्ध और जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसको दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, कहते हैं ना। अब देखिए, अब क्या होता है ना, पृथ्वी पर तापमान में वेरिएशन होता है। तापमान ना पृथ्वी के अलग अलग जगह पे आप जाइएगा ना तो अलग अलग तरह के तापमान मिलेगा, है ना, कहीं ज्यादा कहीं कम कहीं बहुत कम, है ना। जैसे कि आप विषुवत रेखा के आसपास का इलाका ले लीजिए, यहाँ पे तापमान बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा तापमान होता है ना, सालों भर लगभग तापमान ज्यादा होता है, गर्मी पड़ती है। लेकिन जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ऊपर चलते जाएंगे तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, या तो उत्तरी ध्रुव पहुंच जाएंगे, या विषुवत रेखा से नीचे जाएंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे, दक्षिणी ध्रुव पहुंच जाएंगे ना। तो उत्तरी ध्रुव पे जाएंगे तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे और जैसे जैसे हम विषुवत रेखा के नीचे की तरफ बढ़ेंगे, टेम्परेचर क्या होता है, तापमान क्या होता है, घटते जाता है तापमान। तो घटते 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 यहाँ पे बहुत कम हो जाता है, देखते हैं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे क्या होता है, बर्फ जमा रहता है, बहुत ज्यादा ठंडा पड़ता है, हमेशा ठंडा ही रहता है। तो तापमान के वेरिएशन के आधार पे कि अलग अलग तापमान पाया जाता है पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों में, इस आधार पे ना पृथ्वी को बहुत से जोन में डिवाइड किया गया है, बहुत से भाग में बांटा गया है, बहुत से पार्ट में डिवाइड किया गया है, समझ रहे हैं ना। हाँ, इसी को जोन बोला जाता है, क्या बोला जाता है, जोन, है ना। तो लिखना शुरू करिए, लिखिए कटिबंध, लिखिए प्रत्येक गोलार्ध कहने का मतलब हुआ उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, है ना। प्रत्येक गोलार्ध को ताप के आधार पर कई भागों में बांटा गया है, प्रत्येक गोलार्ध को ताप के आधार पर कई भागों में बांटा गया है। इन भागों को कटिबंध कहते हैं। अब कितने भाग में बांटा गया है, कितना कटिबंध में बांटा गया है, ये जानना हमको। तो लिखिए एक में लिखिए उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध क्या होता है, तो देखिए ये विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा से 30 डिग्री ऊपर, विषुवत रेखा ये क्या है, जीरो डिग्री है ना, 0 डिग्री से 30 डिग्री ऊपर और 30 डिग्री नीचे, मतलब क्या, 0 डिग्री से 30 डिग्री ऊपर जाएंगे तो देखिए, 0 डिग्री से हम 30 डिग्री ऊपर जाएंगे तो कहीं पे यहाँ पे आएंगे 30 डिग्री होगा, कहीं यहाँ पे 30 डिग्री, है ना, 30 डिग्री होगा। तो विषुवत रेखा से 30 डिग्री ऊपर मतलब 30 डिग्री ऊपर उत्तरी गोलार्ध, और विषुवत रेखा से 30 डिग्री नीचे, 30 डिग्री नीचे मतलब 30 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध, 30 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध, ये जो एरिया होगा ना ये उष्णकटिबंध का एरिया होता है, समझ रहे हैं ना। विषुवत रेखा से 30 डिग्री ऊपर तथा विषुवत रेखा से 30 डिग्री नीचे, मतलब विषुवत रेखा से 30 डिग्री ऊपर उत्तरी गोलार्ध, है ना, और विषुवत रेखा से 30 डिग्री नीचे दक्षिणी गोलार्ध, ये बीच का जो एरिया होता है ना उसी को कहते हैं
उष्णकटिबंध कहने का उष्ण मतलब क्या होता है, गर्मी होता है, गर्मी। हाँ, यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा पाया जाता है, समझे ना, इसलिए इसको उष्णकटिबंध कहा जाता है। फीवर बना के धोखा दीजिए, ये एरिया ये होता है उष्णकटिबंध, समझ गया ना, ये इलाका मतलब 0 डिग्री, यहाँ 20 रेखा से 30 डिग्री ऊपर 30 डिग्री नीचे का जो एरिया होता है ये उष्णकटिबंध है। लिखिए, इसके नीचे लिखिए, विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तर एवं 30 डिग्री दक्षिण का भाग, 30 डिग्री दक्षिण का भाग उष्णकटिबंध कहलाता है। यहाँ सालों का, दोबारा मैम बोलिए ना, अच्छा दोबारा बोले, देखिए विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तर एवं 30 डिग्री दक्षिण का भाग उष्णकटिबंध कहलाता है। इस भाग का मौसम सदैव गर्म होता है, यहाँ सालों भर गर्मी पड़ती है। इसके आजू बाजू जो भी देश जैसे बसा हुआ है, जो भी देश जहाँ जहाँ भी सेटलमेंट है, जैसे कि देख लीजिए अफ्रीका है ना, अफ्रीका कंटिनेंट, अफ्रीका महाद्वीप है, जो हो गया प्लस क्या हो गया, दक्षिणी अमेरिका का कुछ भाग आता है ना, इंडिया का कुछ भाग आता है, साउथ इंडिया नीचे वाला जो भाग है इसी भाग में आता है, बताया थे ना, का विस्तार इंडिया में कितना है, 8.4 से 37 बताया थे ना, 8.4 इसके अंदर आ जाता है ना, 30 डिग्री है, 20 डिग्री है, 8 डिग्री मतलब विषुवत रेखा से 8 डिग्री ऊपर है ना हमारा देश स्टार्ट हो जाता है, तो आधा इंडिया का जो भारत का जो आधा भाग है ना यहाँ पे आ जाता है, क्यों, क्योंकि ये जो रेखा है कर्क रेखा 23.5 डिग्री वो इंडिया के बीचों बीच से गुजरती है, पता है ना, इंडिया का भी आधा भाग इसमें आ जाता है ना, मतलब देखते हैं साउथ इंडिया के लोग थोड़ा कलर डिप होता है उनका और सालों भर गर्मी पड़ती है, इसीलिए होता है गर्मी के कारण, समझे। हाँ, उसके बाद लिखिए नंबर दो दीजिए और लिखिए उपोष्ण कटिबंध। देखिए यहाँ था 30 डिग्री, 30 डिग्री था ना, 0 से हम 20 पे गए थे 30 डिग्री पे, अब हमको 30 से 45 जाना है, 30 से 45 मतलब यहाँ पे कहीं पे होगा ना 45 डिग्री होगा ना, है ना, 45 यहाँ पे नॉर्थ पे दिखेगा, नॉर्थ कहने का मतलब समझ रहे हैं ना, उत्तरी ध्रुव को ये बता रहा है, उत्तरी गोलार्ध को बता रहा है, ये भी उत्तरी गोलार्ध, यहाँ साउथ लिखिएगा, साउथ कहने का मतलब है दक्षिणी गोलार्ध को, है ना, दक्षिण को ये बता रहा है। अब ये तो उत्तरी गोलार्ध में सिर्फ नहीं ना लेंगे हम, दक्षिणी गोलार्ध में भी लेंगे, 30 से 45 दक्षिणी गोलार्ध, ये इलाका 45 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध, है ना, ये इलाका मतलब क्या, 30 डिग्री से 45 डिग्री के बीच का एरिया जो दक्षिणी गोलार्ध में है ना, और 30 डिग्री से 45 डिग्री का एरिया जो उत्तरी गोलार्ध में है, इसको ये जो एरिया है कौन से कटिबंध में आता है, उपोष्ण कटिबंध में आता है। हाँ, ये इस टाइप में हमें अलग सा पैटर्न अलग देख लिया है ना, ये जो इलाका है ये
ये जो इलाका है ये आ जाता है किसमें? उपोष्ण कटिबंध। उपोष्ण कटिबंध ये था ना उष्ण कटिबंध। वो इलाका क्या था? उष्ण कटिबंध। ये इलाका किसमें आ गया? फिगर ड्रॉ कर लीजिए। हो गया ना? नंबर तीन इसके इसके बारे में बताया, नीचे लिखा है मैंने ना। देखिए देखिए, 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश के बीच, 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी और 30 डिग्री से 45 डिग्री दक्षिणी, है ना? 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के बीच अस्थित क्षेत्र जहां कुछ महीने तापमान अधिक तथा कुछ महीने तापमान कम रहता है। इस इलाका में कौन आ जाता है? जैसे हमारे भारत का बात करते हैं, हम अपना भारत देश का बात करते हैं, तो इसमें भारत का जो उत्तरी इलाका हो गया, जैसे जम्मू कश्मीर का इलाका आ गया, उत्तराखंड का इलाका आ गया, ये इसी इलाका में आ जाता है, उष्ण कटिबंध में आ जाता है। भारत का जो उत्तरी वाला क्षेत्र, यहाँ कुछ महीने गर्मी पड़ती है ना, कुछ महीने ठंडा पड़ती है। बिहार उपोष्ण में आया, नॉर्थ इंडिया का मोस्ट है ना, मिला जुला नॉर्थ इंडिया का। लिख लिया ना? नंबर तीन दीजिए और लिखिए। मैम क्या बोली एक बार, थोड़ा सा बीच में मिस करके बोलिए ना। अच्छा आवाज नहीं गई थी? नहीं, कभी कभी थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है, आज मेरा नेट प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा आपका नेट प्रॉब्लम हो रहा है, क्या 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 कहाँ तक आप लिखे या क्या? फिर ये 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी और 30 डिग्री से 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित, दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित क्षेत्र जहाँ कुछ महीने तापमान अधिक एवं कुछ महीने तापमान कम होती है, वही बता रहे थे कि इंडिया जो भारत है, भारत का जो उत्तरी इलाका है वही से आता है। हम लोग के यहाँ क्या होता है, गर्मी ठंडा दोनों होता है ना, तो हम लोग जिस एरिया में रह रहे हैं ना वो इसी में आता है। किसके आता है? उष्णकटिबंध में आता है। हम लोग के यहाँ क्या होता है, कुछ महीने ठंडा कुछ महीने गर्मी होती है। अब नंबर तीन दीजिए और लिखिए। शीतोष्ण कटिबंध जीरो डिग्री से 30 डिग्री और 30 डिग्री से 45 डिग्री में कौन कौन आ गया?
उष्णकटिबंध और उपोष्णकटिबंध। अब जो आएगा वो शीत प्रतिबंध। तो शीत प्रतिबंध कहाँ कहाँ तक रहती है? 45 डिग्री से 66 डिग्री का बीच पर, यहाँ पर कहीं होगा 66 डिग्री, होगा ना 66 डिग्री नॉर्थ और 66 है ना 66 डिग्री साउथ। ये जो इलाका होगा 66 डिग्री साउथ, ये जो एरिया होगा, ये एरिया और ये एरिया जो होगा वो किसमें आएगा? किसमें आएगा? शीतोष्ण प्रदेश। वो ये एरिया और ये शीतोष्ण प्रदेश। इसका पैटर्न कुछ अलग देखते हैं। कटिबंध को देख लिए, कौन कौन देखना? 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच का जो एरिया, 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी, तो ये एरिया आ गया इसमें उष्णकटिबंध। 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी ये हो गया और 30 डिग्री से 45 डिग्री दक्षिणी ये एरिया हो गया। इसको क्या कहते हैं? उपोष्णकटिबंध। इस इलाका और इस इलाका को उपोष्णकटिबंध। अब 45 डिग्री से 66 डिग्री दक्षिणी और 45 डिग्री से 66 डिग्री उत्तरी, इसको कहेंगे शीतोष्णकटिबंध। समझ गए ना? ये हो गया शीतोष्णकटिबंध, बना रहे हैं ना, समझ में आया? शीतोष्णकटिबंध। लिखिए 45 डिग्री से 66 डिग्री, 45 डिग्री से 66 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश, 45 डिग्री से 66 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी, उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच का क्षेत्र, के बीच का क्षेत्र जहां सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी पड़ती है, जहां सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी, यहां पे देखते हैं यहां पे बहुत ठंडा है, मतलब कभी जिस तरह से हम लोग की तरफ सन लगता है हमेशा सिर पे रहता है दोपहर के टाइम लगता है ना, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं, हमेशा तिरछा पड़ता है, इसलिए तो गर्मी कम पड़ती है, यहां पे ठंडा ज्यादा पड़ता है ना, जहां सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी पड़ती है, बहुत तिरछा होता है। भारत का काश्मीर वाला एरिया है ना, देखिए हम लोग का जो कश्मीर में जो ठंडा पड़ता है इसका दो रीजन है, यही रीजन आप नहीं कर सकते हैं कि इसमें शीतोष्ण कटिबंध में पड़ता है, ये उष्ण, ये क्या बोलता है, उष्ण कटिबंध में पड़ता है, इसलिए अल्टीट्यूड ज्यादा है, हाइट भी ज्यादा है वहाँ का, पहाड़ी एरिया है ना, ये जो
कहीं भी किसी भी क्षेत्र का जो मौसम होता है ना, वातावरण होता है ना, एक चीज से डिसाइड नहीं होता है, ठीक है, बहुत चीजें वहां का देखा जाता है। तो एक ये तो है, इसका इफेक्ट तो पड़ता है, लेकिन और चीजें देखा जाता है, जैसे कि वो जो एरिया है कितना ऊंचाई पे बसा हुआ है, है ना, वहाँ पेड़ पौधा कैसा है ना, वहाँ का जो वेजिटेशन है ना, वेजिटेशन जिसको कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है पेड़ पौधा का कितना है, कितना अमाउंट में चीजें हैं, इस पे भी डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कह रहे कि सिर्फ यही, ये तो इफेक्ट करता है, ऐसा नहीं है कि ज्यादा मात्रा में पड़ता है, लेकिन हाँ वहाँ का इन्वायरमेंट और भी चीजें पे डिपेंड करती है। समझ रहे, लिख लिए, लिख लिए। अब लास्ट फोर लिखिए, नंबर फोर दीजिए और लिखिए। ध्रुवीय कटिबंध, अब ध्रुवीय कटिबंध कितना होगा बता देते ना, यहाँ कितना डिग्री, हेलो सुनिए, यहाँ पर कितना डिग्री होगा, 90 से 90 डिग्री का बीच का ये जो एरिया है, ये जो एरिया है ये होता है ध्रुवीय कटिबंध, समझ रहे हैं ना, ये जो एरिया है ये होता है ध्रुवीय कटिबंध, यहाँ भी यही होगा 66 से 90, यहाँ पे नॉर्थ लिखना है, यहाँ पे साउथ लिखना है, समझ गए, देखिए 66 डिग्री से 90 डिग्री, 66 डिग्री से 90 डिग्री के मध्य स्थित क्षेत्र जहां तापमान अत्यधिक कम, अत्यधिक ही कम रहता है, लेकिन जिसके फलस्वरूप यहाँ हमेशा बर्फ जमा रहता है, कटिबंध हो गया ना, समझ में आ गया ना कटिबंध, ये समझना बहुत जरूरी होता है। अब देखिए इसके समझने से आपको क्या फायदा होगा कि अब कहाँ पे वनस्पति कैसा, वेजिटेशन कहाँ का कैसा होगा, वनस्पति देखिए वनस्पति पे ना मौसम का जो वहाँ का वातावरण होता है ना इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। अब जितना भी कटिबंध है ना, हर कटिबंध में ना अलग अलग तरह का वन पाया जाता है, अलग अलग तरह का फॉरेस्ट, कहीं पतझड़ पाया जाता है, कहीं सदा बहार वन पाया जाता है, तो इसी पे डिपेंड करता है, समझे ना,
अब देखिए जहाँ तापमान ज्यादा होगा, वर्षा ज्यादा होगा, है ना, वहाँ पे क्या होगा, सदा हरा भरा बन पाया जाएगा, है ना, सदा हरित बन पाया जाएगा। तो इससे हम समझ जाएंगे ना कि कहाँ ज्यादा वर्षा और धूप होता है। तो विषुवत रेखा के इधर उधर का जो एरिया है, 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण, जो उष्णकटिबंध का जो इलाका है, यहाँ पे वर्षा भी ज्यादा होगा और धूप भी ज्यादा होगा, जिसके कारण यहाँ सदा हरा भरा पेड़ पौधा पाया जाएगा। समझ रहे हैं ना, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, फिर इसके ऊपर जाएंगे तो पतझड़ बन मिलना शुरू हो जाएगा, पत्ता गिराना शुरू कर देगा। फिर उसके बाद सबसे ऊपर जाएंगे तो फिर देखेंगे कोना जैसा बन पाया जाता है, शंकु तरह का, शंकुधारी बन जिसको बोलते हैं, क्योंकि इधर बर्फ गिरता है, बर्फ गिरता है ना। अब जब बर्फ गिरेगा तो शंकुधारी रहेगा, तब ना वो टॉलरेट कर पाएगा, बर्फ नीचे गिर जाएगा। तो इससे ना समझ डेवलप हो जाएगा आपको, आगे चीज समझने का, समझ रहे हैं ना। तो ये चीजें समझना बहुत जरूरी थी, आ गया समझ में आप लोग को? यस मैम। संक्रांति पढ़ा देते हैं, संक्रांति लीजिए, हेडिंग डालिए संक्रांति, संक्रांति, क्योंकि इसी से रिलेटेड टॉपिक है, अच्छा सोचे संक्रांति ज्यादा समझ में अभी आ जाएगा। संक्रांति डालिए हेडिंग, संक्रांति, संक्रांति लिखिए। देखिए सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन की सीमा को संक्रांति कहते हैं, की सीमा को संक्रांति कहते हैं। सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन का मतलब समझते हैं, जब सूर्य क्या उत्तर से दक्षिण में जाता है, अच्छा सूर्य जाता है, सूर्य घूमता ही नहीं, तो एक जगह फिर रहना क्या, फिर पृथ्वी घूमती है, सन अस्थिर रहता है, सूरज है ना जो अस्थिर रहता है, पृथ्वी घूमती है सूरज के चारों तरफ, है ना। देखिए ये हमारा रहा सूरज, सन से क्या निकलता है, लाइट हमेशा निकलते रहता है पृथ्वी क्या करती है, इसका चक्कर लगाती है, कहीं घूमता घूमता नहीं है, यह स्थिर रहता है, ठीक है। और पृथ्वी क्या करती है, इसके चारों तरफ घूमते रहती है ना, पृथ्वी घूमते रहती है, उस गति को क्या बोला जाता है, परिक्रमण गति। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ एक पाथ पे, एक रास्ते पे घूमती रहती है ना। कभी देखिए पृथ्वी यहाँ पे है, कभी पृथ्वी यहाँ पे रहेगा, कभी पृथ्वी यहाँ पे रहेगा, कभी पृथ्वी यहाँ पे रहेगा। तो पृथ्वी क्या हो रही है, घूम रही है, इसके चारों तरफ घूम रही है ना। तो देख रहे हैं कि पृथ्वी घूम रही है, तो कभी कभी क्या होगा, सन का लाइट उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा पड़ेगा, उसके नजदीक रहेगा पार्ट, यहाँ पे क्या हो रहा है, दक्षिणी गोलार्ध में ज्यादा पड़ रहा है, नीचे वाला पार्ट में ज्यादा पड़ रहा है, यहाँ पे क्या उत्तर वाला फिर पार्ट में ज्यादा पड़ रहा है, फिर यहाँ क्या है, दक्षिण वाला पार्ट में ज्यादा पड़ रहा है। तो इसी यही जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, यही जो बंटवारा है सन का लाइट का, है ना, सन लाइट का जो बंटवारा है कि कभी उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा पड़ता है, कभी दक्षिणी गोलार्ध में ज्यादा पड़ता है, इसी को संक्रांति बोला जाता है, समझ गए ना। तो इसी को बोला जाता है, जब सूर्य का किरण उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा फोकस होकर पड़ता है ना, उसको उत्तरायण, सूर्य उत्तरायण बोला जाता है। जब सूर्य का किरण दक्षिणी गोलार्ध में ज्यादा फोकस होकर पड़ता है, तो उसको सूर्य दक्षिणायन बोला जाता है।
पूजा कराते हैं पंडित जी तो नहीं बोलते हैं सूर्य उत्तरायण है चंद्रमा दक्षिणायन है, समझ गए ना। तो इसी को संक्रांति बोला जाता है ना। अब संक्रांति क्या है ये तो समझ गए, अब आगे समझना है मकर संक्रांति और कर्क संक्रांति। कर्क संक्रांति क्या होता है, मकर संक्रांति क्या होता है, ये समझना है। और एक होता है इक्विनॉक्स जिसको बोलता है विषुवत, समझ रहे हैं ना विषुवत क्या होता है। देखिए सामने है, उत्तरी गोलार्ध को जितना लाइट दे रहा है सन,
दक्षिणी गोलार्ध को उतना ही लाइट दे रहा है ना, सेम लाइट जा रहा है दोनों को, एक अनुपात में जा रहा है ना, एक अनुपात में लाइट जा रहा है दोनों तरफ। तो इस टाइम क्या होगा, जितना बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में होगा हर जगह पे, उतना ही बड़ा दिन दक्षिणी गोलार्ध में होगा। मतलब दिन रात बराबर होता है इस कंडीशन में, जिस कंडीशन में विषुवत के बने रेखा सूर्य विकिरण विषुवत रेखा पर तिरछे सीधे पड़े, सीधे पड़ती है पर सीधे पैरेलल को लग सीधे या सीधा पड़े सीधा है ना, तब विषुवत कंडीशन बनता है ना, विषुवत कंडीशन बनता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे आप इस कंडीशन में सीधा पड़ रही है ना, लेकिन जैसे जैसे आप इस कंडीशन में पहुंच जाते हैं यहाँ पे पहुंच गई, तो यहाँ पर क्या हम क्या कर देख रहे हैं, यहाँ पे तो देख रहे हैं कि सूर्य की किरण दक्षिणी गोलार्ध में ज्यादा पड़ रहा है, ना अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे दिन छोटी हो जाएगी रात बड़ी हो जाएगी। कहाँ पे कौन से गोलार्ध में क्या असर पड़ेगा, साउथ वाले में दिन बड़ी हो जाएगी रात छोटी हो जाएगी, उसके जस्ट हम लोग जो उत्तरी गोलार्ध में हो जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिन वहाँ दिन छोटी और रात बड़ी हो जाएगी। इसका रीजन ये है क्योंकि जस्ट जो देखिए यहाँ पे एक ही कंडीशन में वाणी विषुवत के कंडीशन में दिन रात दोनों गोलार्ध में बराबर होगा, बाकी जितना भी कंडीशन आएगा ना जो उत्तरी गोलार्ध में आएगा उसके जस्ट अपोजिट मतलब जस्ट उल्टा हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध में, जो दक्षिणी गोलार्ध में होगा उसके जस्ट उल्टा हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध, समझ रहे हैं ना। जब यहाँ हम देख रहे हैं दक्षिणी गोलार्ध में सन का लाइट ज्यादा पड़ रहा है, सूर्य की किरणें ज्यादा पड़ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध में दिन तो बड़ा होगा क्योंकि ज्यादा देर तक सन का किरण पड़ेगा है ना, दिन तो बड़ा होगा लेकिन रातें यहाँ पे छोटी हो जाएगी। इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पे क्या होगा, रातें बड़ी होगी और दिन छोटी, क्योंकि यहाँ लाइट यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है ना, कम पहुँच पाएगा, कम लाइट जाएगा ना, यहाँ पर अपोजिट में पड़ जा रहा है, इसके कारण यहाँ क्या होगा दिन छोटी और रातें बड़ी होगी, समझ रहे हैं। अब इसके जस्ट आपको भी यहाँ पे आते हैं तो यह होगा उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में लाइट ज्यादा पड़ रहा है यहाँ दिन बड़ी रातें छोटी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दिन छोटी रातें बड़ी हो जाएगी ना, कंडीशन को समझना है। इसी के कारण संक्रांति के कारण ऐसा होता है ना, संक्रांति मतलब क्या पोजिशन है ना, अर्थ जो अपना स्थिति चेंज करती है ना, बदलती है ना, उसी को संक्रांति कहा जाता है। संक्रांति के कारण दिन रात पे असर पड़ता है, दिन का लेंथ, दिन की लंबाई और रात की लंबाई पे असर पड़ता है, साथ साथ टेम्परेचर में भी अंतर पड़ता है ना, जहाँ ज्यादा सन का किरण पड़ेगा ऑब्वियस बात है वहाँ पे गर्मी ज्यादा पड़ेगा, और जहाँ कम सन का रे पड़ेगा वहाँ ऑब्वियस बात है कि छोटी हो जाएगी रात और गर्मी भी कम पड़ेगी, समझ रहे हैं ना। लेकिन एक में कर्क संक्रांति लिखा है फिर नहीं, अभी नहीं लिखा है, पहले कर्क संक्रांति लिख लीजिए, लिखिए कर्क संक्रांति। लिखिए 21 जून को 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होती है, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होती है, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होती है, इसे कर्क संक्रांति कहते हैं, इसे कर्क संक्रांति कहते हैं। इस दिन देखिए इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है एवं सबसे छोटी रातें होती हैं। अब कैसे होती है जो समझा देते हैं, देखिए आप लोग को समझ में आ रहा है,
यस मैम। समझ में आया आप लोग को? बोल दीजिए एक बार। बोले तो यस मैम। उन लोग से पूछ रहे हैं, उन लोग भी तो, वो लोग नहीं बोलेंगे। हाँ हाँ, बोलने से थोड़ा अच्छा रहता है। कुमार और अमित कुमार कभी कभी बोल दिया करिए, बाकी टाइम तो चलिए ठीक है, सुनते हैं, अच्छी बात है। कभी कभी बोलने से इंटरेक्शन हो जाता है ना, लिख भी देते हैं। आपके पढ़ाने के बाद किसी को कोई कंफ्यूजन ही नहीं होता होगा। क्यों ऐसा नहीं होता? नहीं, आप इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं। नहीं मतलब आप एक एक चीज बता ही रहे, छोड़ कहाँ रही है कि कोई पूछे, किसी के मन में सवाल ही नहीं उठता होगा। उठता होगा तो कहा तो बता दे रही है। रटने वाला चैप्टर नहीं है, रटने के साथ ना रटना कम, समझना समझ। हाँ, समझने वाली चैप्टर, समझ डेवलप करना है ना पहले, इसीलिए पूछ रहे थे। कर्क संक्रांति बता रहे थे ना अभी, कर्क संक्रांति देखिए यहाँ पे, देखिए कि यहाँ पे सन है, ये सन हो गया, सन से लाइट निकल रहा है, सन से लाइट निकल रहा है। पृथ्वी घूमते घूमते यहाँ पे आ गई है, यहाँ पे पृथ्वी आ गई, पृथ्वी घूमते घूमते पृथ्वी यहाँ पे आ गई, यहाँ पे पृथ्वी आ गई। ये क्या है? ये हमारा हो गया विषुवत रेखा, विषुवत रेखा हो गया ना। अब आपको क्या लग रहा है, सन का किरण कहाँ ज्यादा पड़ रहा है? उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा पड़ेगा या दक्षिणी गोलार्ध में? अब जब उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा पड़ रहा है तो उत्तरी गोलार्ध का मेजर जो हम अक्षांश बताए थे, ये क्या होता है विषुवत रेखा के बाद, तो कर्क रेखा बताए थे 23.5 डिग्री, उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है, बताए थे ना, नहीं तो लिख लीजिए आप। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है, क्योंकि जानना इधर जरूरी है। 23.5 डिग्री है ना, 0 डिग्री को विषुवत रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को पिछले क्लास में लिखवाए हुए, लिखवा दिए थे ना। तो ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, इसको कर्क रेखा बोलते हैं। तो कर्क रेखा के आसपास ज्यादा सन का किरण पड़ रहा है, इधर देखिए ज्यादा सन का लाइट पड़ रहा है ना, ज्यादा सन का लाइट पड़ा है। ये कंडीशन कब बनता है, कब ये कंडीशन बनता है? अभी लिखा है ना, कितना तारीख को लिखा है? एक जून अभी लिखाए हैं, अभी 20 जून, सॉरी 20 जून, सबसे ज्यादा 21 जून को पड़ता है, इसीलिए 21 जून को कर्क रेखा में ज्यादा सन का किरण पड़ता है, इसीलिए इसको कर्क संक्रांति भी कहा जाता है। और ये कंडीशन 21 जून, अब आप एज्यूम करिए, सोचना स्टार्ट करिए, 21 जून कब आता है? खत्म हो गया ना, सितंबर चल रहा है, 21 जून में क्या था हमारे में? भयानक गर्मी था ना, भयानक गर्मी 21 जून को, भयानक गर्मी था। तो सोचिए कि क्यों गर्मी पड़ता है, सूर्य 21 जून के आसपास जो होता है वो क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का जो किरण होता है फोकस होकर पड़ता है ना, सीधे पड़ता है, सीधे तिरछा होता है, सीधे पड़ता है कर्क रेखा के पास पड़ता है।
अब कर्क रेखा इंडिया से कैसे गुजरता है, बीचों बीच से होके गुजरता है ना, इंडिया के बीचों बीच से होके गुजरता है। सोचिए ऑल ओवर इंडिया में उस टाइम गर्मी पड़ता है, क्यों? क्योंकि बीच से होकर कर्क रेखा गुजर रहा है, तो इधर वाला भी एरिया इधर वाला भी एरिया दोनों साइड पड़ता है, मतलब पूरा ऑल ओवर इंडिया में है ना गर्मी पड़ता है उस टाइम, इधर भी पड़ता है इधर भी। हाँ लेकिन यही है कि जो कर्क रेखा के आसपास का जो एरिया वहाँ ज्यादा पड़ता है ना, ज्यादा गर्मी पड़ता है। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी कर्क रेखा से गर्मी घटते जाएगा है ना, घटते जाएगा गर्मी, लेकिन पूरा पार्ट में लगभग गर्मी पड़ता है। उत्तरी गोलार्ध में इस टाइम गर्मी पड़ता है, समझ रहे हैं ना, और दक्षिणी गोलार्ध में इस टाइम ठंडा पड़ता है, समझ रहे हैं। अब उत्तरी गोलार्ध में क्या कंडीशन बनेगा कर्क संक्रांति में, यहाँ दिन बड़ा पड़े होगा, उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होगा ना, क्योंकि सन फ्लैट ज्यादा टाइम तक रह रहा है उत्तरी गोलार्ध में, तो यहाँ दिन बड़ा होगी और रातें छोटी होगी। इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा किसमें, दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, दिन छोटा होगा रातें बड़ी होगी, होगी ना, कंडीशन समझ में आ गया ना। सोचिए कि गर्मी के दिन में हम लोग के यहाँ दिन बड़ा क्यों करता है और रात छोटा क्यों करता है, समझ में आ गया ना। कर्क संक्रांति 21 जून को, डेट याद रखिएगा कि 21 जून को सन का जो लाइट होता है वो कर्क रेखा पर सीधे पड़ती है ना, इसीलिए इसको कर्क संक्रांति कहा जाता है। इस टाइम उत्तरी गोलार्ध में सबसे ज्यादा क्या होता है, गर्मी पड़ती है ना, गर्मी पड़ती है और दिन बड़ा होता है और रातें इधर छोटी होती है, तो इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध में, समझ गए ना। तो लिखे है कर्क संक्रांति, लिख लिया ना, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। यस मैम। हाँ तो ये भी याद रखिएगा कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और जस्ट अपोजिट हो जाएगा 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा, होगा ना, समझ रहे हैं ना। अब लिखिए मकर संक्रांति, मकर संक्रांति, कर्क संक्रांति को हो गया मकर संक्रांति, मकर संक्रांति। अब मकर संक्रांति में देखिए क्या होगा, यहाँ पे सन है, सन से लाइट निकल रहा है, घूमते घूमते तो हम यहाँ पे आ गए, दक्षिणी गोलार्ध में ज्यादा पड़ेगा कि दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में ज्यादा पड़ेगा सन का किरण, और वो भी पड़ता है मकर रेखा के परपेंडिकुलर पड़ता है, मकर रेखा के सीधे, मकर रेखा बताया थे ना, विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिण, विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिण जो रेखा है, 23.5 है ना, 23.5 डिग्री दक्षिण जो है उसको बोला जाता है 23.5 डिग्री साउथ जो है वो क्या है, मकर रेखा है, समझ गए ना। तो मकर रेखा पे सूर्य का किरण सीधा पड़ता है कब, मकर संक्रांति के दिन। अब ये दिन कब आता है, मकर संक्रांति का दिन कब आता है, 14 जनवरी, लिखिए, लिखना स्टार्ट करिए, 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबत होती है, 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होती है, 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होती है,
इसे मकर संक्रांति कहते हैं। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है एवं सबसे छोटी रातें होती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़े दिन होती है, सबसे बड़ी दिन होती है एवं सबसे छोटी रातें होती हैं। दोनों में सेम कंडीशन है, इसमें उत्तरी गोलार्ध में तो यही लिखी मैम, कर्क संक्रांति में तो यही लिखवाई है ना, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होती है, इसमें छोटा हो जाएगा ना। इसमें दक्षिणी गोलार्ध बता रहे हैं ना, उत्तरी को हम बोल रहे हैं, दक्षिणी बोल रहे हैं ना, दक्षिणी गोलार्ध में दिन एक्सचेंज है, दिन एक्सचेंज है, वहाँ 21 जून है, यहाँ 22 दिसंबर है। 21 जून है ना, यहाँ 22 दिसंबर बोल रहे हैं ना। मकर संक्रांति 22 दिसंबर को होता है, कर्क संक्रांति में हमें 21 जून दिखाए थे। टाइम डिफरेंस है तो पोजीशन भी अर्थ का चेंज हो जाता है ना, स्थिति अर्थ का चेंज होगा ना टाइम चेंज होने से, क्योंकि पृथ्वी क्या होती है, सन के चारों तरफ घूमती है ना, तो समय चेंज होने के साथ घूम घूम के वो अलग जगह पे आ जाएगी ना, वही तो समझा रहे थे। वो तो समझ में आ ही रहा है मैम, लेकिन हम क्या लिखाए कि 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबत होती है, जो बताया ना, सूर्य मकर रेखा पे लंबत होती है, और जब मकर रेखा पे लंबत होगा यहाँ पे दिन बड़ा होगा ना, मकर रेखा मतलब दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा होगा। उस टाइम क्या बताए थे 21 जून को, उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होगा, जो बताए थे ना 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होता है और रातें छोटी होती है, और यहाँ पे क्या होता है छोटी छोटी बातों में कंफ्यूजन हो जाती है मैम। कोई नहीं, हम यहाँ बताने के लिए आए हैं ना, दिक्कत क्या है, जैसे पूछना है वैसे पूछिए, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आएगा तो पूछना बनता है, उन्हें पूछते हैं वही गलत चीज हो जाता है ना, क्योंकि समझ में नहीं आता है ना, फिर तो फिर आप ये सब चीजें ही समझने वाला है, नहीं तो नहीं फिर होगा है ना, क्योंकि ये सब चीज से ना आप बहुत कुछ सोच सकते हैं, सोच के कर सकते हैं ज्योग्राफी में, बहुत चीजें सोच के भी आप लिख देंगे तो सही हो जाएगा, अगर ये सब चीजें सोचे हुए हैं तब है ना, ये सब चीजें का ज्ञान है तब सोच के लिख दीजिएगा तो सही हो जाएगा। हम ग्रेजुएशन का एग्जाम देते थे ना, तो सोच के लिखते थे, सही हो जाता था, तो सोच के लिखने पे सही हो जाएगा इसमें, इस टाइप से पढ़े रहिएगा तो मतलब समझ के, और कुछ नहीं है। अब जानना है हम लोग को विषुवत जानना है, इक्विनॉक्स जानना है, इक्विनॉक्स विषुवत है ना, विषुवत कंडीशन जो हम शुरू में बताए थे, कर्क संक्रांति बता दी है, मकर संक्रांति बता दी है, अब जानना हम लोग का विषुवत जानना है, विषुवत मैम। एक कोई किसी का क्वेश्चन है कि बीपीएससी में से क्वेश्चन आती है, एक बार देखिए आती है, आती है क्वेश्चन आता है क्वेश्चन, बिना आए हम थोड़े ऐसे ही पढ़ा देंगे, पढ़ने का तो सागर है, लेकिन इसका मतलब थोड़े कि सब कुछ पढ़ लेगा। अमित कुमार पूछे हैं, आता है, पढ़िए इसको ध्यान से पढ़िए, पेटी ने भी पूछता है इससे, पूछे है ना, पेटी तो पक्का पूछता है इससे। अच्छा इसमें मेंस में कैसे क्वेश्चन पूछे गए मैम, पीटी तो सपोज मेंस, देखिए मेंस में, हां मेंस में यहां जोड़ देगा क्या, जैसे वेजिटेशन बताया था ना उस टाइम, सोचने के लिए वेजिटेशन से जोड़ देगा या फिर कुछ ऐसा घटना देगा। देखिए मेंस क्या होता है ना, मेंस में ना आप लोग ना कुछ भी चीजें अगर सोच के लिखते हैं ना, जोड़ के पॉइंट रिलेट करके लिखते हैं तो नंबर ज्यादा आता है, समझे ना, नंबर ज्यादा लाने का तरीका है कि पॉइंट को ना सोच के जोड़ के लिखिए, करंट से कुछ जोड़ दिए, अभी जो फेनोमेना चल रहा है उससे कुछ जोड़ दिए, जैसे अभी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा हुआ है, हर जगह
तापमान बढ़ा हुआ, यूरोप में भी जहाँ हमेशा ठंडा पड़ता था वहाँ भी अभी गर्मी पड़ रही है। तो ये सब चीजें ना लिखना पड़ता है ना, करंट की चीजें जोड़िएगा, कुछ कुछ चीजें अदर टॉपिक से भी सोच के जोड़िएगा, तो इससे नंबर बढ़ता है ना, कंटेंट आपका बढ़िया बनेगा ना इससे। जब कंटेंट बढ़िया बनेगा तो नंबर तो देना ही है, नंबर देता है, कंटेंट बढ़िया बनेगा इससे, समझे ना। इसलिए बोलते हैं सोच सोच के पढ़िए, सोच के पढ़िएगा तो अब रट के कितना लाइन आप लिख सकते हैं बता दीजिए, पीटी निकाल लीजिएगा, ध्यान से नहीं निकलेगा जब तक रटिएगा तब तक। इसमें बोलते हैं समझिए, कुछ अभी जो चीजें हो रहा है वो जान के लिख दिए है ना, क्योंकि कंटेंट बढ़िया बनाना होता है। बढ़िया बनाने के लिए आप सब सब तरह की चीजों को आप लीजिए वहां, ये सब चीजें फायदा होती है। कम पढ़ के आप छुट्टी निकाल दीजिएगा, कम पढ़ के आप कम सोच के मेंस में निकाल यही अंतर होता है। आप पेटी निकालना सगन थोड़ा ना देखिए जो मिल जाता है। अच्छा मैम आप रोज न्यूज पढ़ती होंगी ना? हाँ हाँ न्यूज पढ़ते हैं, करंट अफेयर डेली डेली यहाँ भी सब पढ़ाते हैं ना सर? नहीं नहीं वो तो मैं तो पढ़ती हूँ ना, तो मैं आपसे ऐसे ही पूछी। हाँ हाँ पढ़ते हैं, पढ़ना चाहिए तब ना आप जान लीजिएगा कि देश दुनिया में क्या हो रहा है, आप रिलेशन आप बैठा पाइएगा चीजों का, नहीं तो फिर कैसे होगा, रिलेशन नहीं बैठा पाइएगा ना। और देखिए ज्यादातर जो क्वेश्चन होता है ना रिलेशन से ही पूछ देता है, जैसे कि अभी जो करंट में जो चीजें हो रही है ना उसका रिलेटेड चीजें जो आ जाता है ना, कि अभी जैसे कह देगा डिस्क्राइब करिए है ना, वर्णन करिए कि अभी पृथ्वी पे ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रहा है ना, ग्लोबल वार्मिंग है ना, टेम्परेचर इतना इंक्रीज क्यों हो रहा है। आप रिलेशन जानिएगा तब ना, चीजें अभी हो रही है क्यों हो रहा है, क्या क्या क्यों हो रहा है, क्या क्या होने का तरीका क्या है, कैसे हो रहा है, हीट वेव आ रहा है अर्थ पे अभी तो क्या हो रहा है हीट वेव में, ये सब जानना है ना, तो संभल रहिएगा तब ना होगा। अब लिखिए विषुवत कुंडली में बोला जाता है इक्विनॉक्स, मतलब इक्वल है ना, दोनों साइड इक्वल ही लाइट पड़ेगा। कर्क संक्रांति में हम देखे थे उत्तरी गोलार्ध में फोकस होकर पड़ रहा था, मकर संक्रांति में देखे दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा के पास ज्यादा फोकस होकर सन का लाइट पड़ रहा था ना, लेकिन इक्विनॉक्स में देखा है दोनों साइड पड़ रहा है, उतना ही मात्रा में दक्षिणी गोलार्ध में भी जा रहा है, दोनों साइड बराबर जा रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा सोचिए आप, दिन रात दोनों तरफ बराबर होगा, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी में भी बराबर होगा ना, और क्या तापमान भी उत्तरी और दक्षिणी में सेम रहेगा है ना, क्योंकि सन का लाइट दोनों तरफ से इक्वल जा रहा है ना, ये कंडीशन होगा, सोच सकते हैं हम खुद से। देखिए देखिए यह पृथ्वी की वह स्थिति है, यह पृथ्वी की वह स्थिति है जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबत पड़ती है, इस समय उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में दिन रात बराबर होती है। देखिए यह स्थिति 21 मार्च और
तेईस सितंबर अच्छा ये दोनों सीजन में होता है, मतलब ठंडी में भी बताते हैं। देखिए समझाएंगे, सब समझाएंगे। क्या लिखे, यह स्थिति 21 मार्च और 23 सितंबर को होती है। लिख लिए ना, लिखिए आगे, लिखिए इसे उत्तरी गोलार्ध में शरद विषुवत एवं दक्षिणी गोलार्ध में बसंत विषुवत के नाम से भी जाना जाता है। एक बार और रिपीट कीजिए तो, उत्तरी गोलार्ध में इसे उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध में शरद विषुवत तथा बसंत विषुवत के नाम से भी जाना जाता है। लिख लिए, कार्तिक मास में ठंडी खत्म होने का रहता है और गर्मी स्टार्ट होगा, तो सीजन ये महीना कब आता है? कार्तिक मास, सरस्वती मार्च के आसपास, सरस्वती हाँ मार्च के आसपास, सरस्वती पूजा फरवरी में होता है, 28 फरवरी को होगा, फरवरी मार्च के बीच के रहता है। अरे तो कार्तिक ना बोलो, फरवरी ठंडा खत्म होने वाला रहता है और गर्मी स्टार्ट होने वाली रहती है ना, तो मार्च वही फरवरी मार्च के आसपास का सीजन, इसीलिए ना दिखाए मार्च में, दिखाए कितना मार्च दिखाए, 21 के आसपास, हाँ 21 मार्च के आसपास। उस टाइम बसंत ऋतु में हम लोग के यहाँ क्या होता है, पौधा नया पत्ता सब झाड़ देता है ना, पौधा और नया नया पत्ता एकदम ग्रीन ग्रीन हर जगह दिखता है, छोटा छोटा पत्ता सब निकलता है, नया नया पत्ती निकलता है, पौधा से निकलता है ना, तो ये बसंत ऋतु में। ये ध्यान रखना है यहाँ पे दो डेट आया है, 21 मार्च और 23 सितंबर आया है ना, वो दोनों में एक एक डेट आया था ना, लेकिन ये ध्यान रखना। देखिए ये हमारा फिर सभी रहा, ये रहा विषुवत रेखा है ना, और इसके ऊपर 23.5 डिग्री पे ये रहा कर्क रेखा, और इसके नीचे 23.5 डिग्री पे 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री नॉर्थ है ना, ये हुआ कर्क रेखा, ये हुआ मकर रेखा और ये हुआ विषुवत रेखा, समझ रहे हैं ना। अब इसी तीनों से ना डिफरेंस हुआ कर्क संक्रांति, विषुवत और मकर संक्रांति, यही तीन बताए हैं, कर्क संक्रांति बताए, मकर संक्रांति बताए और विषुवत बताए, तीन बताए ना। देखिए क्या होता है, यहाँ कब बताए थे कि सन का किरण परपेंडिकुलर पड़ता है, लंबवत पड़ता है, तो डेट बताइए 21 जून को बताया था ना, 21 है ना, यहाँ पे कब बताए, दो डेट बताए हमें,
एक है 21 मार्च और दूसरा है 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर है ना, ये यहाँ का पता है। 22 दिसंबर बताया है। अब हम क्या देखते हैं, यहाँ 22 दिसंबर है, यहाँ दो डेट, यहाँ एक डेट। हम क्या देख रहे हैं, 21 जून को सन, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा से परपेंडिकुलर है, लंबवत है, इसलिए यहाँ पे कर्क संक्रांति हो रही है। 22 दिसंबर को सन मकर रेखा के परपेंडिकुलर था, इसलिए इसको मकर संक्रांति बोला जाता है। अब देखिए, पहले क्या दिसंबर आया ना, दिसंबर 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 के बाद क्या आता है, मार्च आता है, मार्च आता है, मार्च के बाद जून आता है। देखिए यहाँ पे, यहाँ पे देखिए, पहले दिसंबर आया, दिसंबर को सन कर्क रेखा पे था, दिसंबर के बाद आया 21 मार्च, 22 दिसंबर के बाद तो 21 मार्च ही आएगा ना, बढ़ते जाएंगे तो। 21 मार्च को सूरज कहाँ था, विषुवत रेखा पे, सूरज नहीं रहता है, सूरज स्थिर रहता है, लेकिन हम बोलते हैं ऐसा है ना, समझाने के लिए हम बोल रहे हैं, ध्यान रखिएगा, सूरज नहीं रहता, सभी का सिचुएशन चेंज हो रहा है, सूरज का चेंज नहीं होता है, सूरज अस्थिर है, बस समझाने के लिए बोल रहे हैं कि सूरज का किरण ऐसे पड़ता है, समझ रहे हैं ना, ये ध्यान रखना आपको। ऐसा नहीं कि बोल दीजिए कि सूरज मतलब वहाँ पड़ रहा है, सूरज वहाँ जा रहा है, सूरज नहीं जाता, सूरज स्थिर रहता है, समझे ना। तो पहले 22 दिसंबर को सूरज कहाँ था, कल ये मकर रेखा पर था। अब दिसंबर के बाद क्या आएगा, जनवरी फरवरी और मार्च, मतलब क्या, सोचिए यहाँ पे, सोचना चालू करिए यहाँ पे, कि दिसंबर के बाद आएगा जनवरी, जनवरी क्या आएगा, फरवरी आएगा, उसके बाद ना आएगा मार्च, ठीक है, मार्च तक मतलब क्या हो रहा है, सूरज का किरण का देखिए कैसे असर पड़ रहा है। 22 दिसंबर को यहाँ था, परपेंडिकुलर था, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, जा रहा है ना, यहाँ पे आ गया कितना, 21 मार्च आ गया, विषुवत रेखा पे आ गया 21 मार्च। अब फिर मार्च के बाद जून आएगा, फिर ऊपर बढ़ते जा रहा है, ऊपर बढ़ते जा रहा है, जून आ गया यहाँ पे 21, अब जून के बाद क्या आएगा, जून के बाद फिर सितंबर आएगा ना, फिर आता है 23 सितंबर, फिर नीचे आना शुरू होगा, नीचे आ गया, फिर सितंबर के बाद फिर दिसंबर आएगा, फिर नीचे आना शुरू हुआ, फिर दिसंबर के बाद फिर मार्च आता है, फिर ऊपर जाना शुरू हुआ, फिर मार्च के बाद जून आता है, फिर ऊपर जाना, फिर जून के बाद सितंबर आता है, नीचे आना, मतलब क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, मतलब क्या है, इसी के बीच सन क्या है, घूम रहा है, घूम रहा है ना, इसी के बीच ना घूम रहा है, कभी यहाँ पड़ रहा है, कभी यहाँ, मतलब तीन महीने दो महीने यहाँ आ रहा है, तीन महीने यहाँ, फिर आते टाइम जाते टाइम है ना, यही वैसे ही कट रहा है, कट रहा है ना। डेट याद रखिएगा कि 22 दिसंबर को रहता है कहाँ पे, कर्क रेखा के, मकर रेखा के परपेंडिकुलर लंबवत रहता है। यहाँ दो डेट कैसे आया तो समझिए, एक बार गया यहाँ, फिर एक बार ऊपर गया, ऊपर से जब नीचे आया तो दो बार यहाँ हो जाएगा ना, आप लोग समझ रहे हैं। Yes, ma'am. समझ में आ रहा है ना कि एक बार तो ऊपर गया, यहाँ पे ऊपर गया, एक बार गया है ना, यहाँ पे आया, फिर ऊपर गया है ना, फिर यहाँ पे आया, फिर ऊपर से तो फिर नीचे आ रहा है ना, फिर यहाँ पे आया, तो यहाँ दो सिचुएशन बन रहा है ना, एक नीचे से ऊपर गया तो एक बार होगा, फिर नीचे, फिर इससे फिर ऊपर गया, फिर ऊपर से फिर आया तो दो बार हो गया ना, फिर नीचे आया, इधर इधर एक एक बार, लेकिन यहाँ पे दो डेट आ रहा, एक बार जाते वक्त एक बार आते वक्त, समझ रहे हैं ना, इसीलिए यहाँ पे है 21 मार्च और 23 सितंबर है ना, यहाँ पे 22 दिसंबर और यहाँ पे 21 जून, समझ रहे हैं ना। पर बाकी दिन रात का वेरिएशन तो आपको सोच के बता सकते हैं कि कब कहाँ है, यहाँ पे 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होगा, पूरा दिन रात दोनों जगह बराबर होगा, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी, क्यों, क्योंकि कब यह विषुवत रेखा पे लाइट परपेंडिकुलर है ना, लंबवत है ना, तो दोनों तरफ इक्वल जाएगा है ना, और जब कर्क रेखा पे आ जाएगा सूरज, कर्क रेखा पे सूरज का लाइट जब कब आएगा, ये लंबवत आएगा, तो ये किस जून को होगा, इस टाइम क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होगा, रात छोटा होगा ना, इसके अपोजिट जब 22 दिसंबर को देखते हैं मकर रेखा पे आ जाता है ना, ये तो दिन रात देख लिए। अब सीजन को देखिए, सीजन को
22 दिसंबर को हम लोग के यहाँ क्या होता है, भयानक वाला गर्मी पड़ता है दिसंबर और जनवरी में, पड़ता है ना ठंडी, हाँ ठंडी ठंडी मतलब भयानक ठंडी पड़ती है ना, भयानक ठंडी पड़ती है 22 दिसंबर को। क्यों पड़ती है? क्यों? क्योंकि मंगल रेखा सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में। अब उस टाइम पंडित जी पूजा करवाएंगे तो क्या बोलेंगे, सूर्य दक्षिणायने बोलेंगे, दक्षिण में है सूर्य का किरण अभी परपेंडिकुलर। क्यों बोलते हैं दक्षिणायने, जो समझ में आ गया, इसलिए पंडित जी को भी पढ़ना चाहिए ना, तब ना पता चलता है कि कब सूर्य दक्षिणायने होता है। यही समझ लीजिए कहा है कि सूर्य का किरण नीचे पड़ रहा है, विषुवत रेखा के नीचे पड़ रहा है ना दक्षिणी गोलार्ध में। इस टाइम ठंडा के टाइम जब पूजा होगा तो गौर करिएगा, घर में जब पूजा पाठ होती है क्या, तो उसमें क्या होती है, जो भी चीजें होती है उसमें क्या होती है कि सूरज दक्षिणायने बोलते हैं पंडित जी, पंडित जी बोलते हैं कि सूर्य दक्षिणायने है ना। अब जब गर्मी के दिन में पूजा होगा हम लोग के टाइम में, हम लोग के एरिया में जून के टाइम में, ठंडी के टाइम में या गर्मी के टाइम में, तो पंडित जी बोलेंगे कि सूर्य उत्तरायणे, उत्तरायणे मतलब उत्तरी गोलार्ध, समझ रहे हैं ना, उत्तरी गोलार्ध में सूरज का किरण पड़ रहा है पंडित जी, दक्षिणायने मतलब दक्षिणी गोलार्ध में पड़ रहा है, समझ में आ गया। ये फिगर ड्रॉ कर लेते, यहाँ की ये जो टाइम है 21 मार्च और 23 दिसंबर सितंबर को होती है, मतलब यह स्थिति जो विषुवत रेखा पर पड़ता है, दो बार पड़ता है साल में, तो इसमें क्या लिखा है आप लिखा है, इससे उत्तरी गोलार्ध में शरद विषुवत कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध ऊपर वाले में शरद विषुवत कहते हैं। ये देखिए ना, ये डेटें चेंज होते रहती है ना, जैसे जैसे हम लोग के यहाँ क्या होता है, 21 मार्च को मार्च के यहाँ उत्तरी गोलार्ध में मार्च में क्या रहता है, बसंत ऋतु रहता है ना, तो उत्तरी गोलार्ध में बोलते हैं बसंत शरद, क्या बोलते हैं बसंत शरद बोलते हैं, बसंत विषुवत, बसंत विषुवत। दक्षिणी गोलार्ध दो डेट यहाँ पे है ना जी, यहाँ पे दो डेट है 21 मार्च और 23 सितंबर। जब 21 मार्च को हम लोग यहाँ विषुवत रहता है, ये बसंत विषुवत रहता है, तो उसके जस्ट अपोजिट दक्षिणी गोलार्ध में क्या रहता है, क्या एक और उपाय है, शरद विषुवत, दक्षिणी गोलार्ध में शरद विषुवत रहेगा। 21 सितंबर को क्या रहता है, हम लोग के यहाँ शरद विषुवत रहता है, तो ये लोग के यहाँ बसंत विषुवत रहता है, दक्षिणी गोलार्ध में बसंत, ये डेट चेंज होते रहती है, समझ में आए। 21 मार्च को बस अगर नहीं आता है तो बाइक पर कट करके हम लिखवा दें, नहीं नहीं ठीक है, अगर नहीं समझ में आता तो हम लिखवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये तो समझने का चीज है ना कि हम लोग यहाँ, हम लोग उत्तरी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में 21 मार्च को क्या पड़ता है, बसंत ऋतु पड़ता है ना, तो बसंत ऋतु पड़ता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या पड़ेगा, शरद ये पड़ेगा, क्या लिखा है आप लिखवाएंगे, उल्टा उल्टा नहीं लिखा है, सही लिखा है, इसे उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ऊपर वाले में शरद विषुवत कहते हैं और दक्षिणी गोलार्ध नीचे वाले में दोनों डेट, दोनों डेट को लिखाए हैं ना, तो दोनों डेट आप एक्सचेंज कर सकते हैं ना सोच के, कि अगर जब उत्तरी गोलार्ध में बसंत विषुवत रहेगा तो दक्षिणी गोलार्ध में शरद विषुवत रहेगा, तो कब हम लोग यहाँ बसंत विषुवत कब होता है, मार्च में होता है ना, मार्च में, और शरद विषुवत कब होता है, सितंबर में होता है शरद विषुवत, तो हम लोग डेट चेंज करना है, समझ रहे हैं ना, ये तो आप समझ सकते हैं खुद से, नहीं तो हम लिखवा देते हैं, लिख लीजिए 21 मार्च को, 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में बसंत विषुवत होता है तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद विषुवत होता है, तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद विषुवत होता है, इसके जस्ट उल्टा, इसके इसके सीधे उल्टा 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद विषुवत होता है तथा दक्षिणी गोलार्ध में बसंत विषुवत होता है,
कौन लिखे हैं, थैंक यू अमित लिखे हैं, मैम आप बहुत अच्छा समझाती हो, थैंक्स फॉर सच अमेजिंग लेक्चर बड़ी दीदी जी, थैंक यू थैंक यू। हो गया ना, बहुत इम्पोर्टेंट चीज था ये सब, समझ गया ना, इससे आप बहुत कुछ सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, दीन दुनिया समझेंगे दीन दुनिया कैसे चल रही है, सही है, बाकी आप लोग भी सही है ना। अच्छा ये जो तो आप बताएंगे मतलब, यस मैम, ये जो कर्ण ये पूरा ऑल मतलब पूरे वर्ल्ड का था ना, है ना, वर्ल्ड का पृथ्वी पूरा वर्ल्ड है ना जी, हाँ ठीक है, हम देखिए रिस्पेक्ट लेके हम इंडिया का समझाएं, इंडिया का पर्सपेक्टिव में समझाएं, क्यों, क्योंकि हम चीज जो चीज हम महसूस करते हैं ना, जो चीज हम फील करते हैं उसको हम ज्यादा समझते हैं, जो चीज हम फील नहीं करते हैं ना वो चीज हम समझते नहीं, ठीक है, इसीलिए हम इंडिया को लेकर जनवरी को जो मकर संक्रांति मनाया जाता है वो उसका अपना कुछ मैथोलॉजिकल रीजन है, ये सब कोई रीजन नहीं है, तो लगा कि मकर रेखा उसका मैथोलॉजिकल रीजन है ना।